गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो बेटा चलिए आज हम लोग इस लेसन को कंप्लीट करने वाले हैं। कल तक आप लोगों ने लेसन के मैक्सिमम पोर्शन को, डैट मीन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, डाइकॉट का, मोनोकॉट का, एंडोस्पर्म के बारे में, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब उसके बाद में आज हम लोगों को ये लास्ट पोर्शन जो है यानी सीड के बारे में थोड़ा देखना है। तो सीड का क्या है, मोनोकॉट सीड, डाइकॉट सीड, सीड के अंदर कौन कौन से पोर्शन है यानी क्या क्या नाम है उनका, वो सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। तब एक लास्ट छोटा सा टॉपिक चलेगा एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी। उसके बाद में इस लेसन के जितने भी एमसीक्यू हैं मॉड्यूल के, आपको वो कंप्लीट करने हैं। और आपको ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, आज बता रहा हूँ कि आपको मॉड्यूल के क्वेश्चन पूरी अच्छे से होने चाहिए। अगर आप उतना भी कर लेते हैं, आप हर बार नोटिस करेंगे आपके एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट मॉड्यूल से रहेंगे। ये आज मैं फिर आपको बता रहा हूँ। तो मॉड्यूल के क्वेश्चन जितने अच्छे से करेंगे, आपके मार्क्स अपने आप बढ़ेंगे, इतना लेके चलिए। अब आइए चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट हम लोगों का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीड, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीड। डाइकॉट सीड में क्या क्या देखेंगे हम लोग, तो डाइकॉट के सीड में देखिए, आउटर कवरिंग, आउटर कवरिंग इज कॉल्ड सीड कोट, डिफरेंशिएटेड इनटू टेस्टा एंड टेगमेन, टेस्टा एंड टेगमेन। सीड का जो सीड कोट है वो दो लेयर में डिफरेंशिएटेड अगर होता है तो आउटर को कहते हैं टेस्टा और इनर को कहते हैं टेगमेन। और ये जो सीड कोट डेवलप होता है विच इज डेवलप फ्रॉम इंटीगुमेंट्स, तो सीड कोट डेवलप होता है इंटीगुमेंट से। एक टर्म आता है हाइलम, हाइलम इज स्कार ऑन, स्कार ऑन सीड कोट, सीड कोट थ्रू विच इट इज कनेक्टेड विथ फ्रूट, इट इज कनेक्टेड विथ फ्रूट। ए स्मॉल पोर प्रेजेंट अबव द हाइलम, स्मॉल पोर प्रेजेंट अबव द हाइलम, प्रेजेंट अबव द हाइलम इज कॉल्ड, इज कॉल्ड सीड पोर और माइक्रोपाइल, और माइक्रोपाइल। At the end of embryonal axis there is radical and there is radical and
At the other end, Plimule is present. नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड. मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर, तो डाइकॉट सीड में आपको ये बात ध्यान में रखनी है क्या क्या, तो एक बात ध्यान में रखनी है टेस्टा एंड टैगमेन, तो ये क्या है सीड कोट का पार्ट है. दूसरा टर्म हाइलम, ओके. तीसरा पार्ट सीड पोर. ये जो सीड पोर दिया है, सीड पोर के थ्रू ही जब सीड को हम लोग सॉइल में डालते हैं तो वाटर का एब्जॉर्प्शन और गैसियस एक्सचेंज फॉर द जर्मिनेशन में ये सीड पोर ही हेल्प करता है, जिसको माइक्रोपाइल कहें. एंड एट द एंड ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस देयर इज रेडिकल, तो इसी रेडिकल से क्या डेवलप होता है रूट एंड अदर एंड प्लीम्यूल. अदर एंड पे क्या है प्लीम्यूल है, और इस प्लीम्यूल से क्या डेवलप होते हैं तो सूट पार्ट डेवलप होते हैं. अब स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड, मोनोकॉट सीड जो होते हैं जनरली एंडोस्पर्मिक होता है. जनरली इट इज एंडोस्पर्मिक एक्सेप्ट कैस्टर. तो जो कैस्टर का सीड है उसमें ये, सॉरी कैस्टर नहीं, ऑर्चिड जो होता है वो नॉन एंडोस्पर्मिक है. नेक्स्ट सीड ऑफ सीरियल सच एज मेज फ्यूज्ड विथ पेरिकार्प. तो किससे फ्यूज है, तो वो पेरिकार्प से फ्यूज हैं. बस लास्ट में ये सब कुछ कुछ पॉइंट है जिसे हम लोगों को बस नोट डाउन करके काम कंप्लीट है. एंडोस्पर्म इज कवर्ड बाई प्रोटेनियस लेयर कॉल्ड एलिरॉन लेयर, उसको एलिलॉन लेयर कहते हैं. ए स्मॉल भी कर सकते हैं, हमने हाईलाइट करने के लिए किया, तो उसको एलिरॉन लेयर कहते हैं. एलिरॉन लेयर में बहुत सारे प्रोटीन का रिच अमाउंट होता है जो मोनोकॉट का करैक्टर है. एम्ब्रियोनल एक्सिस With plimule covered by coleoptile and radical covered by coleorrhiza. तो radical जो है वो radical और root cap cover होते हैं coleorrhiza से, okay? And plimule जो है वो cover होता है coleoptile से. तो plimule covered by coleoptile and radical covered by coleorrhiza. ये दो term जो है वो भी आपको याद रखने important.
अब आइए कुछ सीड का स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग। ये जो हुआ ये कॉटिलेडॉन्स हैं, ये जो है वो माइक्रोपाइल, कॉटिलेडॉन, एंडोस्पर्म, एंड सीड कोट। हाइपोकोटाइल
ये पार्ट जो है वो हाइपोकोटाइल हो गया और ये हो गया रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड ये पार्ट हो गया रूट टिप। अब एक मेज का सीड का स्ट्रक्चर जो है वो देखते हैं हम लोग। पोलियो रिजा रेडिकल प्लीम्यूल कोलियोपटाइल पेरिकार्प ये आउटर लेयर जो है हुआ पेरिकार्प एंडोस्पर्म एंडोस्पर्म एंड ये रीजन एस्कुटेलम। एस्कुटेलम तो ये एक मोनोकॉट, ये कुछ रीजन जो है वो डाइकॉट। ये इस तरह से मोनोकॉट एंड डाइकॉट सीट के पार्ट को देखा। आइए अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं, वो आपके मॉड्यूल का भी पॉइंट है, उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको उसको नोट्स पे इंडिकेट करने हैं। तो कोकोनट फ्रूट फ्लोट ऑन वाटर, कोकोनट फ्रूट फ्लोट ऑन वाटर। नेक्स्ट पॉइंट है मार्टिनिया अटैच टू फर ऑफ एनिमल, मार्टिनिया अटैच टू द फर ऑफ एनिमल्स, सीड ऑफ गुआवा एंड फ्रूट guava and figs are eaten by bird, figs are not digestible,
छोड़ो आर नॉट digestible but their seed coat is softened the fruit attached the animals by providing food and okay ab a smallest seed स्मॉलेस्ट सीड जो होता है वो ऑर्चिड का होता है. स्मॉलेस्ट सीड ऑर्चिड है जिसका 85 माइक्रोमीटर का डायमीटर है और 0.1 मिलीग्राम वेट है. ओके लार्जेस्ट सीड 18 किलो तक का होता है लोडी योसिया मालवी मालडीवी का. Our largest seed, with 30 centimeter long and 90 centimeter in long and 90 centimeter in एंड 18 केजी का वेट हो सकता है. सीड वायबिलिटी देखो, कोई सीड वायबिलिटी का मतलब समझो कि जो सीड जिंदा है डेट इज वायबल सीड, और जो सीड मर गया है, मर गया मतलब सीड को अगर सॉइल में डालेंगे तो भी वो जर्मिनेट नहीं करेगा. तो जो सीड जिस लंबे समय तक जर्मिनेट करने की टेंडेंसी रखता है यानी वो सीड वायबल है. तो वायबिलिटी ऑफ सीड का मतलब सीड की जर्मिनेशन करने की टेंडेंसी. सीड जब कंप्लीट बन जाता है तो उसके जो सेल होते हैं, यहाँ सीड के अंदर क्या है, एम्ब्रियो है, और एम्ब्रियो में सेल है तो वो सेल अपने मेटाबॉलिक रेट को काफ़ी कम कर लेता है यानी इनएक्टिव कर लेता है, मेटाबॉलिकली वो इनएक्टिव हो जाता है, और इसीलिए उस चीज़ को कहते हैं डोरमेंसी. जिस सीड की डोरमेंसी जितना ज़्यादा रहेगी यानी वह सीड उतना लंबे टाइम तक वायबल रहेगा, जिंदा रहेगा. सिंपल बात ये समझिए. तो आइए चलिए तो सीड वायबिलिटी को देखते हैं हम लोग. The ability of seed definition ये है इसका, the ability of seed to germinate and gives rise to seedling is called as seed viability. It arises from a species to it varies from a species to a species.
स्पेसीज टू स्पेसीज, किसी सीड का वायबिलिटी एक साल हो सकता है, किसी सीड की वायबिलिटी कुछ मंथ हो सकते हैं, तो इसीलिए स्पेसीज टू स्पेसीज वैरी करता है। सम सीड लूज वायबिलिटी इन फ्यू मंथ एंड सम इन ईयर। द ओल्डेस्ट एक सीड है लुपिनस आर्कटिकस, जो आर्कटिक टुंड्रा से मिला है, जिसकी वायबिलिटी 10,000 साल पुराना, जिसको 10,000 साल बाद वो सीड हमें मिला आर्कियोलॉजिकल सर्वे से, और उसको जब हम लोग एग्रीकल्चर फील्ड में डालें तो वो जर्मिनेट करके फ्लावर और सीड फ्रूट दोनों दिया हमें। तो वो जो है प्लांट का नाम है उसका दी ओल्डेस्ट इज डेट ऑफ ल्यूपाइन, इसका पूरा नाम है लुपिनस आर्कटिकस। एक्सकेवेटेड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा। ये आर्कटिक टुंड्रा में हमें मिला था जो 10,000 साल पुराना था। सीड जर्मिनेट एंड इसका जो सीड है फ्लावर आफ्टर एन एस्टिमेटेड रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड ऑफ 2 years of dormancy, a recent record of a recent record of 1000 year old viable seed is old viable seed is of the date palm. Phoenix dactylifera discovered during archaeological excavation at King Herod, ये प्लेस का नाम है
एट किंग हेरोड हेरोड ए फ्रूट ऑफ ऑर्चिड ए फ्रूट ऑफ ऑर्चिड ओरोबेंच ओरोबेंचेज एंड एस्ट्रिका कॉन्सिस्ट ऑफ थाउजेंड ऑफ टीनी सीड थाउजेंड्स ऑफ टीनी सीड्स थाउजेंड्स ऑफ टीनी सीड्स। तो देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट सीड वायबिलिटी से रिलेटेड की बातों का है। तो इसमें 10,000 साल पुराना जो सीड मिला उससे भी फ्लावर एंड फ्रूट हमें मिले, वो सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है, ठीक है। और जो 2,000 साल पुराना मिला वो भी हमें डेड पाल्म का वो प्लांट है उसका सीड है। तो सीड वायबिलिटी स्पेसिस टू स्पेसिस ये वेरी करती है। अब आइए एक टर्म है हम लोगों को अब देखना है, एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी। हेडिंग देंगे एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी। ओके, तो एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस पहले देखिए, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल न्यू इंडिविजुअल डायरेक्टली थ्रू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डायरेक्टली थ्रू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन एस्टिरेसी ग्रासेस। अब एपोमिक्सिस इज टू टाइप, एपोमिक्सिस जो है वो बेटा टू टाइप का है। तो एपोमिक्सिस मतलब एक तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, बिना फर्टिलाइजेशन का एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है या बिना फर्टिलाइजेशन के सीड डेवलप हो रहे हैं, तो दैट इज द एपोमिक्सिस। यहाँ पर वही चीज है, देखिए अब ये है, एक है एगैमोस्पर्मी, एगैमोस्पर्मी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड सेकेंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन तो हम लोग देख ही चुके हैं। अब आइए एगैमोस्पर्मी मोड ऑफ एपोमिक्सिस
एपोमिक्सिस इन विच सीड आर फॉर्म सीड आर फॉर्म्ड बट आर एसेक्सुअल इन नेचर बट आर असेक्सुअल इन नेचर एसेक्सुअल इन नेचर एज द एम्ब्रियो डेवलप एज द एम्ब्रियो डेवलप डायरेक्टली विदाउट गैमेटिक फ्यूजन डायरेक्टली विदाउट गैमेटिक फ्यूजन फ्यूजन। अब ये इट इज समटाइम इसके कुछ टाइप्स होते हैं। एक है एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी, एडवेंटेटिव एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी डेट इज एस्पोरोफिटिक बडिंग, इसी को कहते हैं। एम्ब्रियो अराइज फ्रॉम एम्ब्रियो अराइज फ्रॉम डिप्लॉयड एस्पोरोफिटिक सेल डिप्लॉयड एस्पोरोफिटिक सेल्स सच एज या तो न्यूसेलस से और इंटीगुमेंट से इंटीगुमेंट्स एग्जाम्पल साइट्रस ओपुंसिया मैंगो सेकेंड रिकरेंट एगैमोस्पर्मी डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म्ड फ्रॉम डिप्लॉयड एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म्ड फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल मदर सेल विच हैज ए डिप्लॉयड एग और ओस्पोर ओस्फेयर द डिप्लॉयड एग ग्रो पार्थेनोजेनेटिकली द डिप्लॉयड एग ग्रो पार्थेनोजेनेटिकली इनटू डिप्लॉयड एम्ब्रियो। एग्जाम्पल एप्पल पियर एलियम नॉन रिकरेंट
गैमोस्पर्मी। नेक्स्ट है नॉन रिकरेंट एगैमोस्पर्मी। एम्ब्रियो डेवलप पार्थेनोजेनेटिकली फ्रॉम हैप्लोइड एग। डेवलप्ड कली फ्रॉम हैप्लोइड एग। एग्जाम्पल में बनाना। नेक्स्ट है एपोगैमी। फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट और एम्ब्रियो। फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट और एम्ब्रियो डायरेक्टली फ्रॉम सेल ऑफ गैमेटोफाइट इन हायर प्लांट। इन हायर प्लांट्स ओनली डिप्लॉयड एपोगैमी इज एपोगैमी इज सक्सेसफुल इन लोअर प्लांट। हैप्लोइड एपोगैमी इज इक्वली सक्सेसफुल। तो ये बातें हो गई बेटा। अब आइए पॉली मतलब मोर देन वन, एम्ब्रियोनी मतलब एम्ब्रियो। एक सीड के अंदर एक से ज्यादा अगर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, डेवलपमेंट होता है, दैट इज द पॉली एम्ब्रियोनी का केस आता है। अब ऐसा होता क्यों है? तो न्यू सेलर्स का या इंटीगुमेंट्स का या कोई सेल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कर ले तो वो एम्ब्रियो के जैसा एम्ब्रियो बना लेता है, दैट इज द पॉली एम्ब्रियोनी। आइए द फेनोमिनन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द फेनोमिनन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो एम्ब्रियो इन द सेम सीड इज नोन एज पॉली एम्ब्रियोनी। और किसने डिस्कवर किया था? तो बाय लीवेनहुक। किसमें? साइट्रस के प्लांट में। लीवेनहुक साइट्रस में। ओके अब इसमें है एक सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी। The presence of more than one embryo sac
प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो सैक एग्जाम्पल ब्रासिका और एडवेंटिव पॉली एम्ब्रियो। पॉली एम्ब्रियो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम न्यूसेलर न्यूसेलर और इंटीगुमेंट सेल सेल एग्जाम्पल साइट्रस मैग्निफेरा मैग्निफेरा। तो फ्रूट हो गए और ये सॉरी सीड हो गया। सीड के बाद में थोड़ा सा देख लीजिए फ्रूट को। देखिए फ्रूट वगैरह अगर ऑनेस्टली बोले तो आप लोग मॉर्फोलॉजी में पढ़ चुके हैं, फ्रूट अच्छे से आया है वहाँ पर। ट्रू फ्रूट फॉल्स फ्रूट पार्थेनोकार्पिक फ्रूट ये सारे टर्म हैं वहाँ पर। लेकिन एक छोटे से पॉइंट में इसको भी कर लेते हैं हम लोग। देखिए ओव्यूल से सीड बनता है, ओवेरी से फ्रूट बनता है। ओवेरी राइपेंड ओपेरी डेवलप इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल इनटू सीड। ओवेरी वॉल डेवलप इनटू ओवेरी वॉल डेवलप इनटू फ्रूट वॉल डेवलप इनटू फ्रूट वॉल कॉल्ड पेरिकार्प। तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग पेरिकार्प। फ्रूट मे बी फ्लैशी मे बी फ्लैशी एग्जाम्पल गुआभा सपोटा जो भी चीज़ है गुआभा ऑरेंज एंड मैंगो गुआभा ऑरेंज एंड सपोटा भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। मैंगो और ड्राई ड्राई एग्जाम्पल ग्राउंडनट मस्टर्ड इटीसी। इन सम केसेस थैलमस एंड अदर फ्लोरल पार्ट देखो जो फ्रूट ओवेरी से डेवलप होता है उसको ट्रू फ्रूट एंड फ्रूट डेवलप अपार्ट फ्रॉम ओवेरी इज कॉल्ड फॉल्स फ्रूट। फ्रूट डेवलप अपार्ट फ्रॉम सच एज थैलमस apart from ovary called false fruit। ठीक है तो जो फ्रूट तो जैसे एप्पल स्ट्रॉबेरी कैशू नट
एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैशू नट, ये सब फ्रूट जो हैं वो फॉल्स फ्रूट हैं। कैशू नट फॉल्स फ्रूट इज, अब कैशू नट कहाँ से डेवलप होता है, तो वो पेडीसेल से। कैशू नट जो है वह पेडीसेल से होते हैं। मोस्ट फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओवरी, मोस्ट फ्रूट डेवलप फ्रॉम ओवरी कॉल्ड ट्रू फ्रूट। अब कुछ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होते हैं, उसको कहते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, या सीडलेस फ्रूट भी उसमें आते हैं, जैसे बनाना वगैरह। फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन Without fertilization, such fruit are seedless. Such fruit are seedless and called parthenocarpic fruit. Fruit. Banana, grapes, Parthenocarpy may be induced by oxygen, gibberellins. तो ऑक्सीजन का यूज करके, जिबरेलिन्स का यूज करके, किसी को भी यूज करके हम लोग इंड्यूस करा सकते हैं। ये हार्मोन है ऑक्सीजन, जिबरेलिन्स, इसका यूज करके भी पार्थेनोकार्पी को हम लोग बढ़ा लेते हैं। ओके, चलिए, तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, ये लेशन की सारी बातें हो गई। अब कुछ आपको मैं पॉइंट यहाँ पर प्लांट के किस पार्ट से क्या डेवलप होता है एक ब्रैकेट बना के मैं देता हूँ, और प्लांट के कौन सा पार्ट जो होता है वो हैप्लोइड और डिप्लोइड, यानी कुछ सेल और उसके हैप्लोइडी एंड डिप्लोइडी के नाम। ओके, तो थोड़ा आपको ये भी ध्यान में रखने में मदद रहेगी। देखिए, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस ओवरी से फ्रूट होता है, ओव्यूल से सीड, ओवेरी वॉल से पेरिकार्प और फ्रूट वॉल जो अभी लिखे थे हम लोग, इंटीगुमेंट से सीड कोट, उसके बाद आउटर इंटीगुमेंट से टेस्टा और इनर से, इसमें इंटीगुमेंट्स अगर आउटर है तो उससे टेस्टा, और इनर इंटीगुमेंट्स है
तो टैगमेन, ओके टी जी टैगमेन। न्यूसेलस का क्या होगा, न्यूसेलस जनरली डिजनरेट और समटाइम्स पेरिस्पर्म। सम टाइम अगर सीड में न्यूसेलस रह गया है तो उसको कहते हैं हम लोग पेरिस्पर्म, ठीक है। अब जो एग सेल है उससे क्या एम्ब्रियो डेवलप होगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस से, सेकेंडरी न्यूक्लियस जो सेंट्रल न्यूक्लियाई है तो उससे एंडोस्पर्म, चलाजा और हाइलम से, चलाजा और हाइलम भी रहेगा, चलाजा एंड हाइलम ये क्या रहेंगे तो चलाजा एंड हाइलम ही रहते हैं। फ्यूनिकुलस, फ्यूनिकुलस से स्टॉल्क ऑफ सीड और माइक्रोपाइल से माइक्रोपाइल ऑफ सीड ही रहता है, उससे कोई ये नहीं है। अब आइए प्लांट के कुछ सीड और उसके प्लॉइडी, तो ये सब आपको पता है, जाइगोट एम्ब्रियो एंडोस्पर्म रेडिकल प्लीमिल कोटिलेडॉन न्यूसेलस इंटुगमेंट माइक्रोस्पोर मदर सेल मेगास्पोर मदर सेल ओवेरी वॉल कार्पेल सेपल पेटल्स स्टामेंस और लीफ रूट स्टेम, ये सब डिप्लॉयड होते हैं। जबकि पॉलन ग्रेन हो गया, ट्यूब सेल हो गया, ठीक है, या फिर मेल गैमेट, तो हैप्लॉयड वाले पार्ट को हम लिख देते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोर या फिर पॉलन ग्रेन, तो ये कैसा एन हो जाएगा यानी हैप्लॉयड। ट्यूब सेल एन, मेल गैमेट तो गैमेट तो एन ही रहेगा, मेगास्पोर एन, एम्ब्रियो सैक एन, सिनर्जिड यह भी एन, एंटीपोडल यह भी एन, एग सेल यह भी एन, और पोलर न्यूक्लियाई एन प्लस एन। तो यहाँ तक की ये बातें सब पूरी कंप्लीट, ये लेशन आपका कंप्लीट हुआ। अब इस लेशन के जितने भी एमसीक्यू हैं सारे एमसीक्यू को अच्छे से सॉल्व करना है आपको, और सॉल्व करने के बाद अगर कुछ भी डाउट है पूछना है, पहले भी बता चुका हूँ, नेक्स्ट मेजर टेस्ट में यानी ये संडे आएगा, इसके बाद जो नेक्स्ट संडे होंगे उस संडे में आपको ये लेशन का ही पार्ट रहेगा, यानी यही लेशन होगा मेजर टेस्ट में आपका, ओके। तो इस लेशन को अभी अच्छे से टाइम है, एक हफ्ता वन वीक है अच्छे से रिविजन के कैम्सिक सॉल्व करने का, एंड फ्रॉम मंडे आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट होगा, ओके थैंक यू।